रडार पर आता हुआ दिख रहा है एक और स्टॉक जो है आपके सामने डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। डायनामेटिक ये है वो स्टॉक, इस पर रखिए नजर। यहां पर कुछ खबर इंटरेस्टिंग आती हुई दिख रही है इस वक्त, और खबर ये है डायनामेटिक को लेकर, बोइंग से फाइटर जेट के लिए ऑर्डर मिला है। बोइंग दुनिया भर में विमान बनाने वाली दिग्गज कंपनी है, और डायनामेटिक टेक्नोलॉजी इसे ऑर्डर मिला है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करने के लिए फाइटर जेट के लिए। क्या बात है, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी ये है वो दमदार स्टॉक जिसके लिए बड़ा एक ये बोइंग से ऑर्डर मिला है, एक बड़ी बात है। और ये एरोस्पेस में काम करने वाली ये कंपनी, तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा, मुझे याद है जेंस आपके जेंस में ये स्टॉक रहा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक भी। तो यहाँ पर बड़ी खबर आती हुई दिख रही है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। सेठी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी राय लेंगे, मेरे ख्याल से उनके रडार पर भी राय, इस स्टॉक की पहले चर्चा हुई है। तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी ये है वो स्टॉक जहाँ पर आपके लिए बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है इस वक्त, तो ये खबर आती दिख रही है। रॉयटर्स के हवाले ये खबर आती दिख रही है, एग्जैक्टली ऑर्डर साइज क्या है, कितना बड़ा है वो देखा जाएगा, लेकिन बोइंग से फाइटर जेट के लिए असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिला है, ये आपके सामने। आइए इसी के चार्ट्स पर एक बार जरा राय ले ली जाए डायनामेटिक। जरा सुमित जी देखिए चार्ट्स, आपने बोला आपका गला ठीक है, आप जवाब दे सकते हैं, कोई चिंता की वाली बात नहीं, तो मैंने कहा तुरंत फिर से चेक कर लिया जाए। सही किया अनिल जी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अनिल जी डायनामेटिक में पोजीशंस होल्ड करें, 3100 का अभी भाव चल रहा है स्टॉक के अंदर, यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में 3250 से लेकर 3300 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। लास्ट दो दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, तो मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 150 से 200 रुपए का मूव जल्दी देखने को मिलना चाहिए, और अनिल जी एक बिगुल भी चाहिए यहाँ पे,